सो गाइस तुम लोगों ने देखे ना वो सारे के सारे रिवॉर्ड जो कि तुम्हें मैं इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। सो अब बेसिकली तुम लोगों को ये है कि कैसे वो सारे के सारे रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाले हैं। तो चलो यार इस वीडियो के अंदर एक एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो सारे के सारे रिवॉर्ड तुम्हें कैसे मिलेंगे एंड सारा के सारा कैसे है एंड उसके रिगार्डिंग बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक जरूर ठोक देना जिससे मुझे पता लगे आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और वीडियो डिसलाइक करने से पहले जरूर से वीडियो देख लेना कि तुम्हें पता लग जाए एक एक चीज एंड देन वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें अगर लगे कि वीडियो में सच में नहीं मुझे मजा आया देन आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो यार बेसिकली वीडियो के ऊपर चलते हैं एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बूम। सो गाइस ये वाली वीडियो बेसिकली रहने वाली है एक वीपीएन ट्रिक के ऊपर जो कि आई है टर्की के सर्वर के अंदर। बट गाइस मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें ये कंफर्म करने वाला हूँ कि जो वीपीएन की ट्रिक आई है टर्की के सर्वर के अंदर उसको किस तरीके से तुम लोग यूज करने वाले हो। तो देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट जो कि चीज रहने वाली है वो ये है कि भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि वीपीएन ट्रिक्स अब हम यूज करेंगे तो हम लोग काफी लोगों को डाउट है आजकल के टाइम में कि वीपीएन ट्रिक अगर हम लोग यूज करेंगे तो वीपीएन ट्रिक के लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ता है अपनी सर्वर में अपनी सेटिंग्स में जाके हमें वहां से कंट्री चेंज करनी पड़ती है। सो उससे तुम्हारी पिंग पे तुम्हारे इंडियन फ्लैग पे या किसी चीज पे भी फर्क पड़ेगा। तो मेरी ये जो रिकॉर्डिंग है ना इसको रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल पबजी से ऑफिशियली बता रहा हूँ। सो ये चीज कुछ नहीं होने वाली अगर तुम लोग वीपीएन यूज करते हो, जैसे तुम्हारी गेम चल रही थी वैसे के वैसे ही चलेगी। सिर्फ फर्क आएगा तो क्या आएगा, इनमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के अंदर फर्क आने वाला है। तुम्हारे इन गेम फ्लैग में तुम्हारी किसी भी चीज में कुछ भी नहीं फर्क आएगा। इवन तुम्हारी जो पिंग है ना गाइस, जो तुम्हारी पिंग है, इवन तुम्हारी पिंग है वो भी बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। कुछ भी एक इंच का भी नहीं फर्क आएगा वीपीएन यूज करने से। सिर्फ जो फर्क आएगा ये जो तुम्हारे रिवॉर्ड्स हैं वो उस कंट्री के हो जाएंगे एंड ये जो चीजें हैं ये चीज जो है एंड ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है। सो ये जो अपनी सारी की सारी होती है, मतलब अगर उस कंट्री में कुछ चेंज होगा तो जैसे कि कई बार ऑफर्स आ जाते हैं दूसरी कंट्रीज में कि तुम लोग रिडीम कर सकते हो, जैसे ये सारी चीजें है ना, कुछ एक्स्ट्रा एक आधी चीज आ जाती है किसी कंट्री में। सो बस ये एक छोटा सा फर्क आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं फर्क आएगा तुम्हारी गेम में। जैसे तुम्हारी गेम चलती थी वैसे ही चलेगी और तुम्हें कोई वीपीएन कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम लोग नॉर्मली खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब भी तुम्हें खेलना पड़ेगा तुम्हें वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ऐसा भी कोई सीन नहीं रहने वाला है। सो ये चीज मैं तुम्हें पहले ही गाइस क्लियर कर दे रहा हूं, वीपीएन तुम्हें तब तक के लिए कनेक्ट करना है जब तुम्हें अपनी कंट्री चेंज करनी है। कंट्री चेंज करने के बाद वीपीएन भी हटा सकते, कोई भी नहीं प्रॉब्लम रहने वाली है, ठीक है। सो ये मैंने एक डाउट था जो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम से था, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। एंड अभी भी अगर इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई डाउट हो कि यार ऐसा हो सकता है या वैसा, तो मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, मैं तुम्हें एक एक का रिप्लाई दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो यार अब हम लोग बेसिकली चलते हैं अपनी ट्रिक के ऊपर। तो देखो यार यहां पे रहने का सीन वाला है, तुम लोगों को जाना पड़ेगा अपने मोबाइल में एंड मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो ये फ्लाइंग वीपीएन नाम का एप्लीकेशन। सो फ्लाइंग वीपीएन नाम का जो एप्लीकेशन है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों को इसको कनेक्ट करना है टर्की से। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो टर्की से करने के बाद इस वाले सर्वर से कनेक्ट कर लो। टर्की से मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि टर्की में तुम्हें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑफर्स मिल रहे हैं। ताइवान में भी ऑफर्स हैं बट ताइवान में थोड़े से कम है, टर्की में वो भी ऑफर्स हैं जो ताइवान में ऑफर चल रहे हैं एंड साथ में टर्की के अपने भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैं टर्की के वीपीएन में तुम्हें कनेक्ट करवा रहा हूं ये चीज। एंड टर्की के वीपीएन में कनेक्ट करने के बाद तुम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेना, अपनी जब आओगे गेम को रीस्टार्ट कर लेना, ये चीज मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता अपनी मेन आईडी में करके, बिकॉज मेरे वैसे भी 6 दिनों का अभी 6 दिन बचे हुए हैं। मैंने 30 दिन पहले चेंज कर लिया है इसको चाइनीज में, चाइना वाली कंट्री में, तो मेरे 6 दिन अभी भी बचे हुए हैं। सो डेट्स मैं कर नहीं सकता, बट चलो मैं कोई बात नहीं, किसी की ये जो वीडियो है मैं ये दिखा देता हूं किस तरीके से करना है। सो यहां पे आने के बाद तुम्हें इस पे क्लिक करना है एंड जब तुम क्लिक करोगे ना तो यहां पे जो तुम्हें नीचे कंट्री शो हो रही है वो कंट्री वो शो हो रही है जिस पे तुमने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है। तुमने टर्की में कनेक्ट किया तो तुम्हें कंट्री शो होगी। सो उसके ऊपर क्लिक कर लो एंड उसके ऊपर करने के बाद तुम लोग आराम से उस कंट्री के अंदर चले जाओ। अब उसके अंदर जाने के बाद बेसिकली तुम्हें जो चीज करनी है वो ये है कि अपने गेम को अपनी गेम को बंद कर लो एक बार एंड गेम को बंद करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करो। इन द सेंस गेम को बंद करो, बैकग्राउंड स्क्रीन से हटाओ एंड फिर से गेम को रीस्टार्ट कर लो जिससे सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा एंड अपने वीपीएन को उस टाइम तक कनेक्टेड रखना। एंड आफ्टर दैट जब तुम लोग गेम के अंदर आओगे देन तुम लोग गेम के अंदर आने के बाद ऐसी तुम्हारी लॉबी रहेगी एंड लॉबी में आने के बाद जब तुम
लोग अपने ये सारे के सारे खोलोगे तो मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे तुम्हें वो शो होने वाले हैं, किस तरीके से रहेंगे। मैंने पहले ही यार कनेक्ट किया हुआ है ना, मेरे अभी भी 6 दिन बचे हुए हैं, सो मैं मेन आईडी में अब कर नहीं सकता। एंड मैंने ट्राई भी किया गेस्ट अकाउंट बनाने की, गेस्ट अकाउंट हट चुका है। मैंने प्ले स्टोर से अकाउंट बनाया अपना, प्ले स्टोर में होता नहीं प्ले गेम अकाउंट, सो उसमें बोल रहे हैं कि भाई 15 दिनों बाद ही आप कंट्री चेंज कर सकते हो, 15 दिन तक अगर आप रेगुलरली गेम खेलो। तो मैंने तीनों चीजें ट्राई की बट नहीं हो पा रहा है, सो मुझे अब तुम्हें वीडियोस एंड फोटोज देख के बताना पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों पबजी वालों ने इतना ज्यादा मतलब खतरनाक एंड बुरे तरीके से कर दिया है, पर चलो कोई बात नहीं। तो तुम लोग देख सकते हो, एंड मेरी जो मैंने तुम्हें चीज बताई है ना, ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स है, तुम लोग देख लो स्क्रीन के ऊपर, काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, काफी हैवी रिवॉर्ड्स है। जिन लोगों ने थोड़े यूसी खर्चने हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, अदरवाइज ये क्रेट्स हो गए। कम से कम तुम्हें 1000 से 2000 यूसी तक का तो वैसे भी सामान इसके अंदर मिलने वाला है, एंड 30 दिन तक तुम इसमें रह सकते हो। मेरे 6 दिन जैसे मतलब आज 6वां दिन है तो अब कल 5 रह जाएंगे, जैसे ही खत्म होंगे मैं खुद उस सर्वर में चला जाऊंगा बेसिकली, बिकॉज उसमें सामान ज्यादा अच्छा मिल रहा है, सो मैं उसमें जाने ही वाला हूँ, नो डाउट बिल्कुल। एंड जिनको भी डाउट्स थे ना कि वीपीएन के रिगार्डिंग, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि लोगों को पता लग पाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है वीपीएन का जो तुम लोगों ने डर अपने दिमाग में बिठा लिया है कि वीपीएन का ये है वी है। देखो जब किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं होता तो हमें उसके बारे में बहुत मिथ्स होते हैं ना कि भाई क्या होगा क्या होगा। जब नया नया व्हाट्सअप आया था तब भी लोग कहते थे नहीं यार हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट फिर अब हर बंदा व्हाट्सअप यूज करता है। तो यार वही है, नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई नई चीज आती है ह्यूमन नेचर होता है कि भाई डर लगता है हमें कि क्या है कैसे हो रहा है क्यों है, बट बेसिकली धीमे धीमे आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम सबको पता लग जाता है कि हाँ कोई सीन नहीं है, नॉर्मल ही है। सो चलो यार, चलो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे लगता है काफी तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अगर तुम्हें ऐसी टिप्स और चाहिए एंड जो कि आती ही रहेंगे, तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय।